मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे वंशागत का जीन मत। ये हमारे जीव विज्ञान का नया टॉपिक है। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि जो जीन है, जीन मत क्या था, इसे किसने दिया था। ठीक, जो जीवों की आनुवंशिक इकाई होती है, जीवों की आनुवंशिक इकाई है वह सिर्फ जीन होती है। और जो जीन्स हैं इसमें अनेकों संख्या में लक्षण छिपे होते हैं, अर्थात जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं वे आनुवंशिक लक्षण ये सिर्फ जीन्स में छिपे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? जीन्स में होते हैं। और जो जीन्स हैं हमारे शरीर में अनेकों की संख्या होते हैं, ये संख्या क्या होगी इसकी? संख्या है अनंत या अनेक है। और जो जीन्स शब्द है इसे दिया था जॉनसन ने। जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। ठीक है, और जो भी ये कारक हैं, जो जीन्स हैं, इसी जीन्स के ही बेस पर वंशागत का जीन मत दिया था टीएच मॉर्गन ने। वंशा गति का जीन मत टीएच मॉर्गन ने दिया था। टीएच मॉर्गन के अनुसार बताया गया है कि जो भी जीन्स हैं क्या ये आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, कारक होते हैं। ठीक है, जीन्स जो है आनुवंशिक लक्षणों के उत्तरदायी रचनाएं हैं जो गुणसूत्रों में मोतियों की माला के समान पंक्तिबद्ध होते हैं, ठीक है। अब पता है कि जो भी डीएनए और जीन्स हैं ये मुख्यतः डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, तो जो ये आपके इस बीच में प्रस्तुत किया गया था वंशागति का जीन मत, इसे टीएच मॉर्गन ने दिया हुआ है। और बताया हुआ था कि जो क्रोमोसोम में लगे होते क्रोमेटिन के दाने वही उसी भागों में ही जीन्स छिपे होते हैं जो कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।